आज भैया बहनों, आज हम सातवां पाठ सप्तमा पाठा तृतीय विभक्ति ये इस प्रारंभ करेंगे। तृतीय विभक्ति मैंने आपको विभक्ति बताई थी ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, है ना। तो तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। आज हमें ये पाठ पढ़ना है। तो महिला जलम आनयति, महिला जल आनयति लाती है, महिला जल लाती है। महिला केन जलम आनयति, महिला किससे जल लाती है। महिला घटेन जलम आनयति, महिला घटेन माने घड़े से जलम आनयति जल लाती है। महिला घड़े से जल लाती है, जो काम जिससे करते हैं साधन के द्वारा करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं, तो घटेन में तृतीय विभक्ति लग गई। शिक्षिका लिखती, शिक्षक लिखते हैं। शिक्षिका केन लिखती, शिक्षक किससे लिखते हैं। शिक्षिका सुधा खंडेन लिखती, शिक्षक सुधा खंडेन माने खड़िया से या चौक से लिखते हैं। छात्रा प्रवासार्थम गच्छन्ति, छात्र रहने के लिए, अर्थम लग गया के लिए लग गया, तो रहने के लिए गच्छन्ति जाते हैं, छात्र रहने के लिए जाते हैं। छात्रा के प्रवासार्थम गच्छन्ति, छात्र रहने के लिए किससे जाते हैं। छात्रा रेल यानेन प्रवासार्थम गच्छन्ति, छात्र रेल से रहने के लिए प्रवास के लिए जाते हैं। अब रेल से जा रहे हैं, रेल यानेन हो गया, है ना। बालका क्रीडति, बालक खेलता है। बालका केन क्रीडति, बालक किससे खेलता है। बालका कंदुकेन क्रीडति, बालक कंदुक कहते हैं गेंद को, तो कंदुकेन गेंद से क्रीडति खेलता है। कृषक क्षेत्रम कर्षति, कृषक माने किसान, क्षेत्रम माने खेत, और कर्षति माने जोतता है, किसान खेत जोतता है। कृषक केन क्षेत्रम कर्षति, किसान किससे खेत जोतता है। कृषक हलेन क्षेत्रम कर्षति, किसान हलेन माने हल से क्षेत्र जोतता है। सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिक केन रक्षति, सैनिक किससे रक्षा करता है। सैनिक बंदूकेन रक्षति, सैनिक बंदूक से रक्षा करता है। अश्व धावती, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा धावती माने दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अश्व कही धावती, घोड़ा किससे दौड़ता है। अश्व पादे धावती, अश्व घोड़ा पैरों से दौड़ता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर आया घटेन, सुधा खंडेन, रेल यानेन, कंदुकेन, हलेन, बंदुकेन, सब में तृतीय विभक्ति है ना, सब में एन लगा है, लेकिन यहाँ पादह, ये यहाँ पे एन नहीं लगा है, यहाँ पे एह लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि एक पैर नहीं है, घोड़ा अपने चार पैरों से दौड़ता है, तो जब चार पैर है तो बहुवचन हो गया, बहुवचन में तृतीय विभक्ति में हो गया पादह, तो अश्व पैरों से दौड़ता है। बालकः कार्यम करोति, बालक कार्य करता है। बालक केन कार्यम करोति, बालक किससे कार्य करता है। बालकः संगणकेन कार्यम करोति, बालक संगणकेन, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर से कार्य करता है, बालक कंप्यूटर से कार्य करता है। आज इतना ही पाठ पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए और इस पूरे पाठ को अच्छे से, इतने पाठ को पढ़िए, आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। और मैं ये शब्दार्थ भेज रही हूँ, शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। धन्यवाद।